दूसरी चीज़ मौलाना को फ़ोन करते, मौलाना ये दिन हसन है या नहस है? हाँ, ये बड़ी हमें आदत है, नहस। भाई दिन नहस कब होता है? कुरान पढ़ो, कई दिनों को कुरान ने नहस बोला। बज़ात खुद कोई भी दिन नहस नहीं होता। कोई ऐसा इत्तफाक उस दिन में होता है जिसकी वजह से दिन क्या हो जाता है? नहस हो जाता है। मसलन खुदा ने किसी दिन शिकार करने से मना किया, लोगों ने शिकार किया, कहा ये दिन क्या है? नहस है। किसी दिन में मासूम की विलादत हुई, कहा ये दिन मुबारक है, एक इत्तफाक हुआ। आशूरा के दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई, कहा ये दिन मुसीबत का है कि उस दिन एक बुरा इत्तफाक हुआ था। अब तू बेटी की शादी कराए, बेटे की शादी कराए, चलो तुझे पता चला ये दिन क्या है? मुबारक है। लेकिन अगर तू गलत काम करके, मुखालिफत खुदा, मुखालिफत अली, मुखालिफत रसूल करके अपने अमल से उस दिन को क्या बना देता है? नहस बना देता है। बेटे की शादी कराएगा, गलत काम उस शादी में करेगा, मिक्स गैदरिंग करेगा, खवातीन मेकअप करके नामहरमों के सामने आएंगी, डांस होगा, गिना होगा जो अशद मिनज जिना है, तो उस दिन को क्या बना देगा? नहस बना देगा। फिर इनकी पूरी जिंदगी किस में गुजरेगी? नहस में गुजरेगी। क्या ये मौला अली का फरमान नहीं है? मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिसमें वो गुनाह न करे। हर वो दिन मोमिन के लिए ईद का दिन है जिसमें वो गुनाह न करे।